जम्मू शहर के साथ लगते नगरोटा की रहने वाली सीमा देवी जम्मू की पहली ई रिक्शा चालक बनी है। सीमा देवी के पति म्युनिसिपल कमेटी में अस्थाई कर्मी है और परिवार में आमदनी का सिर्फ एक ही जरिया होने के कारण गुजर बसर तो हो ही रही थी, लेकिन सीमा का सपना है कि वह उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करके किसी मुकाम पर पहुंचे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए सीमा देवी ने रिक्शा का स्टीयरिंग संभाल लिया है। ये पेशा अपनाने पर सीमा देवी को लोगों के ताने भी सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज पति के साथ हाथ बटाकर घर चला रही है। सीमा देवी के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 15 वर्ष का है और 11 और 14 वर्ष की 2 बेटियां हैं। सीमा देवी के अनुसार जब उन्होंने ई रिक्शा चलाने का फैसला किया तो उनके रिश्तेदारों और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन पति व बच्चों ने उसके फैसले का समर्थन करते हुए हौसला बढ़ाया। उसने सरकारी योजना का लाभ उठाते हुए 15% सब्सिडी पर ई रिक्शा लिया और आज शहर की सड़कों पर ई रिक्शा चलाकर दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही है। थोड़ा शौक भी लगा और साथ में थोड़ा मजबूरी भी थी, तो इस करके सर चलाना पड़ा। क्या पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी सर। आपके घर में क्या फैमिली पे क्या है, आपकी बैकग्राउंड? सर मेरे एक बेटा 2 बेटियां हैं, तीनों पढ़ने वाले हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं सर, फीस भी निकालनी मुश्किल होती है, इस करके मुझे थोड़ा। आपके मतलब जो हस्बैंड है वो क्या काम करते हैं? वो सर ये ठेके पे लगे हुए हैं म्युनिसिपैलिटी में। जी हाँ जी सर। तो क्या आपकी जो मातृशक्ति है उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगी, मुझे कई लोगों ने कहा कि ये अच्छा नहीं लगता चलाते हुए लेडीज़ को, मगर सर मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं अपना कुछ चला रही हूँ, कुछ कमा रही हूँ। तो सर मैं यही शिक्षा देना चाहूँगी कि हर लेडीज़ को कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है, वो अपना घर चलाने के लिए कुछ भी कर सकती है।